आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द पीएच ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हैज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन 7 टू 8। व्हाट इंडिकेटर शुड बी यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द पीएच? ओके, हमारे पास एक रिएक्शन बोली गई है जो कि एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, उसकी पीएच जो है वो 7 से 8 के बीच में मेंटेन रखने के लिए हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इसकी पीएच को मेंटेन रख सके। तो देखो बच्चों, जब भी आप ध्यान रखना है, एक एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जब भी होगी, तब आप एक फिक्स, साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, एंजाइम कैटालिस्ट के साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पीएच है सॉल्यूशन की, वो हमें 7 to 8 अगर मेंटेन रखनी है, तो हमारे पास ये थ्योरेटिकल आंसर होगा इसका कि हम इसमें ब्रोमोथाइमोल का यूज करेंगे। तो हमारे पास कौन सा इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर विल बी ब्रोमोथाइमोल, ब्रोमोथाइमोल, ठीक है ना, इसका हम इसमें यूज करेंगे। और साथ में ही इसमें क्या होता है, ब्लू एक और लिख सकते हैं हम, ब्रोमोथाइमोल, जो कि है हमारे पास फिनोल रेड, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, फिनोल रेड, और साथ में हमारे पास एक और आएगा क्रिसोल रेड, क्रिसोल रेड, ये तीन इंडिकेटर हम इसमें यूज कर सकते हैं। ब्रोमोथाइमोल जो है इसका कलर ब्लू होता है भाई, ठीक है ना, ये इसके इंडिकेटर के नाम है जो हमें ध्यान रखने हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन में पीएच को 7 से 8 तक मेंटेन रखने के लिए ब्रोमोथाइमोल ब्लू, फिनोल रेड, क्रिसोल रेड, ये हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।